हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी को बड़ा ऑफर मिला है। जदयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह और फिर उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी को बड़ा ऑफर दिया है। इसके साथ ही साथ कहा गया है कि अगर आप हमारे साथ आते हैं, हमारे नेता बहुत उदार हैं, आप अगर हमारी पार्टी में आते हैं तो हम आपका अनादर नहीं करेंगे और आपका स्वागत किया जाएगा। नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी को ऑफर दिया कि अगर मांझी एनडीए में आते हैं तो पूरा सम्मान उन्हें मिलेगा। बीजेपी ने उन्हें पहले ही सम्मान दिया है, फिर देगी। उन्होंने कहा कि मांझी के आने से एक बार फिर से एनडीए में सीट बंटवारा होगा, मांझी जी का एनडीए में स्वागत है। वहीं जदयू में मगध प्रमंडलीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने राज्य सरकार के बजट को बेहतर बताया। कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बेहतर बजट लाया है, ये बजट मध्यम वर्गीय किसानों और युवाओं के लिए है। इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और हम के मुखिया जीतन राम मांझी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब कोई गठबंधन नहीं चल सकता। आपको बता दें कि जदयू और बीजेपी की तरफ से जीतन राम मांझी को मिले इस ऑफर के बाद से बिहार में सियासत गर्म है। आपको पहले से ही पता है कि जीतन राम मांझी पहले भी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से कम सीटें नहीं चाहिए। जीतन राम मांझी बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। इस बीच आरसीपी सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय की तरफ से जीतन राम मांझी को दिया गया ये बड़ा ऑफर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी पहले भी कह चुके हैं कि उनको अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, अगर उनके जनाधार के मुताबिक फैसला महागठबंधन में नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो आगे अपने फैसले पर निर्णय कुछ ले सके, क्योंकि पार्टी का फैसला बताते हुए जीतन राम मांझी ने पहले ही महागठबंधन को आंख दिखा दी है। अब जदयू और बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।